जिस ग्रह प्रणाली में हम रहते हैं उसमें यह बहुत ही खूबसूरती से प्रकट हुआ है। पृथ्वी और सूर्य का डायमीटर या व्यास, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी और सूर्य के आसपास पृथ्वी के पथ को किस तरह से हिस्सों में बांटा गया है, इन सभी चीजों के आधार पर आकाशीय प्रणाली और इंसान के शरीर के बीच का संबंध समझने के बाद कई चीजें बनाई और विकसित की गई थी। तो एक पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा, सदगुरु, भारत में कई लोगों ने प्राचीन काल में इंसानी चेतना के लिए काम किया है, आपके हिसाब से पश्चिमी दुनिया में किसने बड़ा योगदान दिया है? मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, चार्ल्स डार्विन। तो उन्होंने कहा, कैसे, चार्ल्स डार्विन तो जीव विज्ञानी है। नहीं नहीं, पश्चिमी दुनिया में चार्ल्स डार्विन ने यह विचार रखा कि अगर कोई जीव कोशिश करता है तो वो अपनी सीमाओं से परे जा सकता है। ये सीमाएं ईश्वर ने नहीं बनाई हैं, ये सीमाएं हमेशा के लिए नहीं हैं। अगर कोई कोशिश करने को तैयार है तो वो अपनी सीमाओं से परे जा सकता है। यहां तक कि एक सुअर हाथी बन सकता है, एक बकरी जिराफ बन सकती है, ये कोई छोटा बदलाव नहीं है, है ना? मैं बंदरों की बात नहीं करूंगा, ठीक है? तो ये संभावना कि अगर मनुष्य कोशिश करे तो वो अपनी सीमाओं से परे जा सकता है, फिर ये करीब 15,000 साल पहले की बात है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा, क्या हम अपने शरीर की बनावट को बदल सकते हैं, क्या हम विकसित हो सकते हैं? So Adiyogi said, your physical evolution is complete. तब आदियोगी बोले, आपका शारीरिक विकास पूरा हो गया है। और उन्होंने इसके पीछे की गणित समझा दी कि ऐसा क्यों है। तो जब उन्होंने पूछा क्या हमारे शरीर विकसित हो सकते हैं, उन्होंने उनके शरीर के बारे में बताते हुए कहा, आपके सिस्टम में ऊर्जा के 114 जंक्शन बिंदु हैं, जिन्हें योग विज्ञान में हम चक्र कहते हैं। 114 चक्र होते हैं। इसमें से 2 शरीर के बाहर और 112 शरीर के अंदर हैं। इन 112 में से 4 ऐसे हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, बाकी के चक्र सक्रिय होने पर वे 4 भी खिल जाएंगे। ऐसे 108 चक्र हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी परंपरा में अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो 108 रुद्राक्ष मंत्र का जाप भी 108 बार और किसी ऊर्जा स्थान की परिक्रमा भी 108 बार। This is because there are 108 things that one needs to do if he wants to have a complete mastery over the human mechanism itself. ऐसा इसलिए क्योंकि इंसानी सिस्टम पर पूरी तरह से महारत हासिल करने के लिए 108 चीजें करने की जरूरत है। जिस ग्रह प्रणाली में हम रहते हैं उसमें ये बहुत ही खूबसूरती से प्रकट हुआ है। पृथ्वी के डायमीटर का 108 गुना सूर्य का डायमीटर है। सूर्य के डायमीटर का 108 गुना सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। चंद्रमा के डायमीटर का 108 गुना चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और जिस तरह से पृथ्वी के सूर्य के चारों तरफ घूमने के मार्ग को बांटा गया है, 108 उसमें भी शामिल है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो स्थितियां लाती है उन्हें नक्षत्र कहा जाता है। ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र यानी तारा नहीं, नक्षत्र से हमारा मतलब है मापने की इकाई। तो 27 नक्षत्र होते हैं और ये 27 नक्षत्र चंद्र चक्र के आधे हिस्से के भी बराबर हैं। 27 नक्षत्रों का मतलब है 13.5 चंद्र महीने, और चंद्र कैलेंडर इसी तरह काम करता है। एक नक्षत्र को 4 पदों में बांटा जाता है, यानी चंद्रमा के चक्र का 8वां हिस्सा जो तकरीबन 3.5 दिन के बराबर होता है।
27 नक्षत्र के 4 पद यानी एक साल में 108 पद। तो एक पूरे वर्ष में 108 पद होते हैं, तो ये लगभग रुद्राक्ष के मनकों की संख्या की तरह है, 108। अभी पृथ्वी खुद को सूर्य के चारों ओर 108 मनकों के रूप में व्यवस्थित कर रही है और उसी के हिसाब से आप माला में 108 मनकों का इस्तेमाल करते हैं। ये सूर्य की परिधि के चारों ओर मौजूद मोतियों जैसा है। Based on this, knowing the connection between the celestial system and the human system, many things were evolved and developed. इसके आधार पर आकाशीय प्रणाली और इंसानी सिस्टम के बीच के संबंध को जानकर बहुत सी चीजें विकसित की गई हैं। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि अब पिछले 6 वर्षों में दुनिया के न्यूरोसाइंटिस्ट भी यही बातें कह रहे हैं। इस बारे में खोज होती रही है कि क्या हम इंसानी दिमाग को उसकी मौजूदा सीमाओं से परे विकसित कर सकते हैं। तो आज न्यूरोसाइंटिस्ट कह रहे हैं कि आप इंसानी दिमाग को और विकसित नहीं कर सकते, न्यूरोलॉजिकल सिद्धांतों के कारण नहीं बल्कि धरती के भौतिक नियमों के कारण। इसे विकसित करने का एक ही तरीका है, न्यूरॉन्स का आकार बढ़ाना ये एक तरीका है, या न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाना ये दूसरा तरीका है। अगर आप अपने दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ाते हैं तो आपकी स्पष्टता कम हो जाएगी। कई बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं, वे प्रतिभाशाली हैं लेकिन वे समझ नहीं पाते क्योंकि उनमें कोई स्पष्टता नहीं है। जैसे जैसे वे बड़े होंगे उनका दिमाग स्वाभाविक रूप से कुछ मात्रा में कमतर हो जाएगा और फिर वे स्थिर हो जाएंगे। अगर वे स्थिर नहीं होंगे तो वे हमेशा बिखरे रहेंगे। दूसरा तरीका है न्यूरॉन का आकार बढ़ाना। अगर आप न्यूरॉन का आकार बढ़ाते हैं तो एक न्यूरॉन जितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करता है वो बहुत ज्यादा होगी। यहां तक कि अभी भी अगर आप अभी आराम की स्थिति में हैं तब भी आपकी 20% ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ आपका दिमाग कर रहा है। ये आपके शरीर का वो हिस्सा है जो बहुत ज्यादा ऊर्जा खाता है। शरीर का इतना हिस्सा 80% ऊर्जा लेता है, इतना सा दिमाग। सॉरी, साइज की वजह से बुरा मत मानिए, ठीक है। मैं ये इतना सा दिमाग पूरी ऊर्जा का 20% हिस्सा ले रहा है। अगर आप न्यूरॉन का आकार बढ़ाते हैं तो ये 30-40% लेने लगेगा, मतलब आप इतनी ऊर्जा नहीं दे पाएंगे। तो आज न्यूरोसाइंटिस्ट कह रहे हैं धरती के भौतिक नियमों की वजह से इंसानी दिमाग का और विकास नहीं हो सकता। हम बस दिमाग का बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं पर इसे बड़ा नहीं कर सकते। ऐसा आदियोगी ने 15,000 साल पहले कहा था। उन्होंने कहा, आपका भौतिक विकास पूरा हो चुका है क्योंकि सौर मंडल अब और विकास होने नहीं देगा। जब तक सौर मंडल में कुछ बड़े बदलाव नहीं होते आपका शरीर विकसित नहीं हो सकता। पर विकसित होने के और भी तरीके हैं और उन्होंने वे तरीके सिखाए कि कैसे एक इंसान अपनी सीमाओं से आगे जा सकता है। और जरूरी नहीं है कि ये एक भौतिक विकास हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पूंछ तो खो गई है पर अब सींग उगाने पड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि विकास के और भी तरीके हैं और जरूरी नहीं कि वे भौतिक हों।